Hi friends, how are you? And I hope all will be well with you. Today with the lecture I will discuss about grammar portion. It means parts of a speech in simple way, so without getting any delay, let's get it started. तो आज के टॉपिक में क्या देखेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं और बिल्कुल सिंपल तरीके से देखेंगे. तो देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. इसको फ्रेंड्स हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में इसको कहते हैं शब्द भेद. शब्द भेद बोलते हैं. और ये होता क्या है इसको देखते हैं. कैसे बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच कैन बी डिवाइडेड इनटू 9 पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स? 9 पार्ट्स. इसके अंतर्गत कितने भाग हैं, तो इसके 9 भाग हैं. 9 पार्ट में बांटा जा सकता है. क्या है वो 9 पार्ट्स, देख लेते हैं 9 पार्ट्स क्या है. तो 1, 2, 3, 4, 5, and 6, 7, 8, 9, 9 पार्ट देखते हैं. फर्स्ट क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, कंजंक्शन इंटरजेक्शन, इसके बाद आर्टिकल और एक को नॉन प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, हाँ प्रपोजिशन. ओके फ्रेंड्स, तो दीज आर द 9 पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, रिलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच. पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये 9 भाग आपको देखने को मिलेंगे. अब इसको बारीकी से देख लेते हैं कि ये हैं क्या 9 पार्ट. तो यहां देखेंगे, नंबर 1 नाउन. नाउन क्या है, तो नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. ओके, फॉर एग्जांपल राम, कानपुर, आगरा. ओके, ये नाउन का हो गया है. अब देखते हैं प्रोनाउन. प्रोनाउन क्या है, तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम, और इसको संज्ञा बोलते हैं. तो प्रोनाउन क्या है, द वर्ड्स The words
विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन कॉमा इज कॉल्ड प्रोनाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। जैसे क्या है, ही है, सी है, एट, यू, दे, एटीसी, ये वाले क्या है, प्रोनाउन है। अब इसके बाद देखते हैं थर्ड नंबर क्या है हमारा, वर्ब है। थर्ड नंबर क्या है, वर्ब। अब ये वर्ब क्या है, वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स, विच डिनोट्स एक्शन, स्टेट एंड पोजिशन। पोजिशन एग्जाम्पल के लिए देखेंगे, यहां पे तीन बातें आ रही हैं। तो वर्ब इज ए वर्ड विच डिनोट्स एक्शन, स्टेट और एंड पोजिशन। तो एक्शन है यहाँ की, स्टेट है और पोजिशन है, तीन बातें उभर के आती हैं वर्ब में। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एज यहाँ पे एग्जाम्पल है इसके, ही लाफ्स, हाँ लाफ क्या हो गया है, ये एक्शन हो गया है। स्टेट क्या है, सेकंड एग्जाम्पल क्या है, यू आर स्टूडेंट्स। यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो गया है, स्टूडेंट यहाँ स्टेट बता रहा है, स्टेट का मतलब दशा के बारे में बताया जा रहा है कि आप विद्यार्थी हैं। और पोजीशन क्या है, थर्ड यहां पे देखते हैं, आई हैव टू पेंस। ओके, तो यहाँ पे जो हैव है वो एक पोजीशन अधिकार के रूप में, स्वामित्व के रूप में बताया जा रहा है, उसके पास दो पेन है। तो यहाँ पे जो वर्ब हमारी कौन है, तो आर है, ये बता रही है इसके बारे में, और यह बता रहा है पोजीशन के बारे में। नंबर फोर देखते हैं। नंबर फोर में हमारा क्या है, एडवर्ब क्या कहला, क्या कहेगा इसके बारे में देखते हैं। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द होल पार्ट्स ऑफ स्पीच, है ना। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब जितनी पार्ट्स ऑफ स्पीच के जितने भी पार्ट लिखे हैं, इन सभी को मॉडिफाई करता है। फॉर एग्जाम्पल देखेंगे यहां पे, दो एग्जाम्पल देते हैं आपको यहां पे। इंडियन सोल्जर्स पार्ट ब्रेवली, भारतीय सैनिक कैसे लड़े, बहादुरी के साथ लड़े, तो एडवर्ब क्या हो गया, ब्रेवली। ओके, ये हो गया है। आगे देखते हैं इसका अगला एग्जांपल। आई
कैन टीच यू वेरी वेल, ओके, वेरी वेल अंडरस्टैंड। अब इसके बाद आगे देखते हैं नंबर फाइव। तो नंबर फाइव पे हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। नंबर फाइव हो गया है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव में देखते हैं क्या है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, ओके। ये नाउन और प्रोनाउन की क्या बताता है, एक विशेषता बताता है। कैसे बताता है इसको देख लेते हैं, दो एग्जांपल देखेंगे यहां पे। माय मदर, माय मदर इज वेरी यहाँ पे नहीं, ऐसे कर लेते हैं, सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये हो गया ब्यूटीफुल, ओके। एडजेक्टिव हो गया। अगला है ही इज हैंडसम, ये हमारा हैंडसम हो गया एडजेक्टिव। यहाँ पे ये प्रेडिकेटिव यूज है और यहाँ पे ये एडजेक्टिव एट्रीब्यूटिव का प्रयोग किया गया है। इसके बाद देखते हैं नंबर सिक्स, और नंबर सिक्स पे हमारा क्या है, कंजंक्शन है। कंजंक्शन जिसका मतलब होता है संयोजक, तो कंजंक्शन क्या है, अब कंजंक्शन इज ए वर्ड, कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइंस टू वर्ड्स, फ्रेज एंड सेंटेंसेस टुगेदर, ओके, जोड़ने का काम करता है, संयोजक कहलाता है, जिसका मतलब क्या है, तो यहां देख लेते हैं इसमें क्या बातें निकल गई कि वर्ड्स को जोड़ता है, फ्रेज को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, और जो जोड़ने का काम करे वो कंजंक्शन कहलाता है। देख लेते हैं एज वर्ड्स को कैसे जोड़ता है, राम एंड श्याम लव ईच अदर, ओके। तो यहाँ राम एंड श्याम क्या हो गए, वर्ड हो गए हैं। अगला एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेज का, इन द नाइट और इन द डे, ओके, ये हो गया है, एक ये फ्रेज हो गया है और दूसरा क्या हो गया, ये वाला फ्रेज हो गया है। और नंबर थर्ड देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा है, सेंटेंस ऐसे ही इज पुअर बट he is honest, ये हो गया, ओके। तो जो जो डेफिनेशन में बोला गया है उसी को एग्जांपल में बताया भी गया है ताकि आपको बहुत सरलता से समझ में आ जाए, ओके। और लग रहा होगा कि आप इस मेहनत को जरूर पेश कर रहे होंगे,
अगला तो यहाँ सिक्स स्टेप क्लियर हो गए हैं और नंबर सेवन देखते हैं। नंबर सेवन हमारा इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन क्या है? इंटरजेक्शन क्या है तो देखते हैं। सम सडन फीलिंग्स, सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ हार्ट, ये भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे ऑफ हार्ट आर कॉल्ड इंटरजेक्शन। क्या मतलब है? हृदय के द्वारा निकली अचानक से भाव, कुछ फीलिंग्स मैंने कुछ भावनाएं, कुछ संवेग, कुछ उत्साह, हृदय से निकलने वाली तीव्र भावनाएं जो होती हैं उन्हीं को इंटरजेक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पे आप नहीं कहेंगे एज ही लिखने में ज़्यादा अच्छा है, एज है ना। सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन। जैसे देखते हैं, ओहो यू आर माई रियल फ्रेंड। सेकंड क्या है? हाउ ब्यूटीफुल द डे इज, एक्सक्लेमेशन मार्क। और इसमें क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग किया जाता है। तो सम सडन फीलिंग्स और इमोशंस ऑफ हार्ट इज कॉल्ड इंटरजेक्शन विद एक्सक्लेमेशन मार्क, विद एक्सक्लेमेशन मार्क। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें जो है वो एक्सक्लेमेशन मार्क का भी प्रयोग किया जाता है। नंबर एट में क्या है? आर्टिकल है, तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल है ए एंड द। आर्टिकल में ये तीन चीजें होती हैं, ए एंड द, और ए और एन ये इनडेफिनेट आर्टिकल हैं और द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। ए का प्रयोग कहाँ करना है? ए ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी स्कॉलर। ओके, और नंबर एन एन पी, और नंबर थर्ड द सन। ओके, तो ये एग्जाम्पल हो गए हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ए का प्रयोग किया गया है क्योंकि यूनिवर्सिटी में या बना है और हिंदी वर्णमाला में या जो है वो कॉन्सोनेंट में आता है। भले ही यू लिखा है लेकिन हम प्रयोग ए का करेंगे, और इसी प्रकार से एम लिखा है तो एम ऐसे लिखेंगे, ए आएगा, इस वजह से इसको हिंदी वर्णमाला में ये स्वर है, इस वजह से यहाँ पे एन आया है। और सन जो डेफिनेट चीज है जब, तो इस वजह से यहाँ पे द का प्रयोग किया गया है। शायद है आपको समझ में आ गया होगा ए एन द।
और इसके बाद नाइन देखते हैं, नाइन क्या है, प्रपोजिशन है। यहाँ पे प्रपोजिशन है, संबंध सूचक है ना। अभी क्या है प्रपोजिशन, तो देखते हैं आप प्रपोजिशन, अ प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन टू सो इट्स रिलेशन विद अदर नाउन एंड प्रोनाउन। ओके, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है। इसका प्रयोग क्यों किया गया पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि प्रपोजिशन ही एक ऐसा वर्ड है जो एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध बताता है। देखते कैसे बताता है, जैसे देखें माय मदर, माय मदर इज इन द किचन। ओके, इन द किचन। अब आप देख रहे हैं कि इसमें प्रपोजिशन क्या है, तो प्रपोजिशन हो गया है इन। अब आप देखें माई मदर एक नाउन का दूसरे नाउन से संबंध ये कैसे बताता है, और जब इसको हटा देंगे तो कितना भद्दा लगेगा। देखते हैं हमारा प्रपोजिशन क्या है, एक नाउन क्या हो गया माई मदर, दूसरा नाउन क्या हो गया द किचन। अब ये संबंध बताने वाला कौन है, एक ये और एक यहाँ पे, दो नाउन है ना, दो नाउन का आपस में संबंध क्लियर कर रहा है। ये कौन क्लियर कर रहा है, प्रपोजिशन इन क्लियर कर रहा है। आप थोड़ी देर के लिए सपोज करिए कि यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रपोजिशन नहीं होता तो क्या होता। मान चलिए मैंने इसको हटा दिया यहाँ से। अब आप देखेंगे माई मदर, इसका जब पढ़ेंगे तो कैसे क्लियर होगा, माई मदर इज द किचन, मेरी माँ ही रसोई घर है। ये कितना बेढंगा प्रयोग हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। अगला देखते हैं, सेकंड देखते हैं द बुक इज ऑन द टेबल। अब आप देखें यहाँ पे, यहाँ देखते हैं हमारा प्रपोजिशन क्या है, ऑन है। अब आप देखें यह इधर पहला नाउन है, इधर दूसरा नाउन है, दोनों नाउन का संबंध बता रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, किताब जो है वो मेज के ऊपर है ना, तो इसका संबंध किससे बता रहा है, इससे बता रहा है। अब इसको अगर हटा दें फिर देखिएगा क्या हो रहा है, द बुक इज द टेबल है ना, तो ये मजाकिया अर्थ निकल रहा है। तो यहाँ इस वजह से पता लग गया होगा कि मीनिंगफुल तभी हो पाएगा जब उसका प्रपोजिशन का सही प्रयोग होगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, नाइन पार्ट डेफिनेशन विद एग्जांपल के प्रस्तुत किए हैं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा है, और यदि अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।